प्रोफेशनल कैमरा मैन इब्राहिम भी अभी सीख रहे हैं, इब्राहिम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बन जाएंगे। फिर पिज्जा शराज, आपको लगता है कामयाब हो जाएगा ये? शराज को भी नहीं लगता, आप देखते हैं उस लड़की से बात कर पाता है। लेट्स सी, कोई बात नहीं है, कैसा होता रहता है एक्सपीरियंस। मैं देख के अंदाजा लगा लेता हूँ कि कौन बात करेगा कौन नहीं। इब्राहिम ऐसे गुस्से से, और सोचा अगर ये असली का हो जाए तो हमारा क्या होगा, आखिर देखने। सबको बोलो सब्सक्राइब कर दे यार, आप भी बोलो सब्सक्राइब कर दे। आप कर रहे हो जागे घर, यहाँ पे अंधेरा हो गया काफी। और गोला गंडा पचास का भी और 100 रुपये। तो ये आज का व्लॉग, सडन व्लॉग में आया हूँ जहांगीर पार्क, जो कि सदर में मौजूद है। अब मैं अंदर जाऊंगा और यहाँ की वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। तो अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और आपको जहांगीर पार्क का टूर कराते हैं। सो भाइयों, मैं और बहनों अंदर आ चुका हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पिंजरा है, पिंजरे में मोर है, कबूतर है, तरह तरह के वो मुर्गे हैं, क्या क्या कुछ नहीं है अंदर। और आप देख सकते हैं फैमिली के झूले हैं, फैमिली बच्चे सब यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। ये आपका भाई है अंदर आ चुका है, और हमारे साथ शहराज भाई भी मौजूद है, वो आगे चल रहे हैं, हंस रहे, शूट करने आए। वैसे मैंने सोचा अपना व्लॉग भी बना लिया जाए, तो आपको मज़ीद टूर कराते हैं, अंदर जाते हैं। इब्राहिम भी आगे कहीं है, तो इब्राहिम से भी हम मिलेंगे अंदर आके। शहराज भाई, अब आए हैं पहले यहाँ पर? अंदर नहीं आया, बाहर तक फुहार हो गया। शहराज भाई कह रहे हैं बाहर तक होकर आऊँ। मुर्गे भी रखे हुए भाई अंदर, तरह तरह के मुर्गे हैं, तोते, चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फैमिली का रश भी आप देख सकते हैं, अच्छा अच्छा खासा बड़ा पार्क है। यहाँ पे भी डायनासोर है, लेकिन जैसे डायनो पार्क था वैसे नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मल बने हुए हैं। इनके अंदर मूवमेंट है होगी शायद, नहीं होगी। तो ये स्टिल्स हैं डायनासोर में, और ये जो गोरिल्ला है इसमें मूवमेंट नहीं है। फैमिली को आप देख सकते हैं, और सामने देखिए एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है, उस पर जाके अंदर देखते हैं क्या सीन है। शायद इस वक्त बंद होगी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इस वक्त बज रहे हैं शाम के कोई 6-7 बजे तक ही पार्क बंद हो जाता है। ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय रोटरी पाकिस्तान, आप ये भी देख सकते हैं। तो अच्छा खासा पार्क बना हुआ है, थोड़ा मैं आगे तक भी जाऊंगा, उसके बाद भी आप लोगों को मज़ीद पार्क का टूर कराता हूँ। चलते हैं थोड़ा, और व्लॉग को कोशिश करेंगे कि थोड़ा मुख्तसर रखें और आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा सकें। बेंचेस भी हैं, अगर आप यहाँ आए आके बैठ सकते हैं, और बच्चों के लिए कह सकते हैं कि ये प्ले एरिया है काइंड ऑफ। आप देखें यहाँ पे बच्चे झूले झूल रहे हैं, ये सारा सिनेरियो, और इब्राहिम और ये शहराज शूट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये आपका, फिर एक टाइम पे हम भी बड़ा तरसते थे आने के लिए, सोचते थे बड़े हो जाएंगे खुद आ जाया करेंगे, लेकिन अब बड़े हो गए हम तो वो शौक ही ख़त्म हो गया, वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई। हर चीज़ एज के साथ अच्छी लगती है, अब वो बच्चों को गाइड करे कैसा करे ऐसे नहीं। तो ये सारा सब कुछ है, तेज नहीं गिर जाओगे, हल्के 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 इब्राहिम, हल्के हल्के क्या कहेंगे आप? आप आए कभी झूला झूले आपने ऐसा? थोड़ा अंदर की तरफ आ गए, आप देख सकते हैं सदर आपको सामने से नजर आ रहा होगा, वो बिल्डिंग सदर की। हाँ हाँ हाँ, क्या व्यू है, व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिलीज बैठी हुई है, और स्टॉल्स भी लगे हुए हैं बहुत सारे। और मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी हैं, शराज प्रोफेशनल कैमरामैन, इब्राहिम भी अभी सीख रहे हैं, इब्राहिम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बन जाएंगे। अंकल को जवाब दो बेटा, अब ये देख सकते हैं सारा पार्क। मैं आपको मज़ीद आगे चल के भी घुमाता हूँ, फिराता हूँ। हवा बहुत ठंडी चल रही है यार, मेरे घर से काफ़ी दूर है, वरना तो यहाँ पर आप वॉक करने भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर एक ट्रैक भी बना हुआ है, सारे बच्चे देख रहे हैं, बच्चों से आए थोड़ी बात करते हैं। हाय हाय, ये देखे भाग बेटा, रुको रुको भागो, भाग क्यों रो, भाग क्यों रो, भाग बोलना, भाग रहे हमारी मर्जी। वो बच्ची का इंटरव्यू, कौन सी बच्ची का? बच्ची का इंटरव्यू लेने, लड़की को जो बुला रहे हैं, मतलब छोटी बच्ची, वैसे वाली बच्ची नहीं है इन्होंने, छोटी बच्ची का इंटरव्यू लेने कह रहे हैं। बिल्कुल लेते हैं, वो आ रही है, बच्ची का भी हम इंटरव्यू लेते हैं, आ रही बच्ची। ये बच्ची जिसका इंटरव्यू लेना, आप देख सकते हैं, इस छोटी बच्ची के इंटरव्यू की बात हो रही थी, आप देख सकते हैं। बाकी लोग हैं उनके भी इंटरव्यूज लेते हैं, और आपको वो नहीं दिखा सकते हम, लेकिन अपना व्लॉग पूरा दिखाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में शराज, आप क्या कहेंगे, आप क्या समझे थे? मैं कहूंगा अभी तो गलत कहूंगा, इसलिए आप आगे चले। हम आगे की तरफ अब आ रहे, देखते कौन हमसे मजीद बात करेगा यार। लोग आए हुए यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, कोई अपनी बेगमात के साथ आया हुआ है, कोई अपने बच्चों के साथ आया हुआ है, कोई कोई फ्रेंड के साथ आया हुआ है, डेट अलग ही पता चल जाती है, क्या कहते हैं। ऐसी बातें नहीं करो, चैलेंज दिया है, ये किसी के पास जाके बात करेगा माइक की, और मैंने कहा वो चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वहाँ मैं अगर वीडियो बनाता हुआ लेके जाऊँगा तो उनको शक हो जाएगा कभी, लेकिन देखते हैं। इब्राहिम, आपको लगता है आप कामयाब हो जाएंगे मेरी तरह से? तुम्हें फिर पिज्जा, शराज आपको लगता है कामयाब हो जाएगा ये?
सिराज को भी नहीं लगता, आप देखते हैं उस लड़की से बात कर पाता है। लेट्स सी, ये बाल मैंने धूप में सफेद या काले नहीं किए, उन्होंने मना कर दिया। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बात नहीं है, कैसा होता रहता है एक्सपीरियंस। मैं देख के अंदाजा लगा लेता हूँ कि कौन बात करेगा कौन नहीं। इब्राहिम भाई का अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। एक है उन्होंने बात करी और दोनों ने लड़के ने कहा कि सॉरी बात नहीं कर सकते, मैं गया ही नहीं, मैं दूर खड़ा रहा। लेकिन चले अच्छा है, आगे और सीख जाएंगे ये मजीद। रास का शॉट खराब, आओ बेटा आओ आओ, कैमरा खराब करो। क्या कहोगे पार्क के बारे में? आप देख सकते हैं गोरे गोरे बच्चे, पठान बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उसके शॉट खराब कर दें आप लोग सारे। सहराज अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पूरा पार्क हम घूम नहीं सकेंगे क्योंकि इनको शूट पूरा करना है और पार्क कभी भी बंद हो जाएगा। तो भाई वो डायनासोर भी हम आपको दिखाते हैं, चला है मेरे पीछे सहराज। तो आप देख सकते हैं मूवमेंट, इनमें मूवमेंट नहीं है जिस तरह मैंने आपको पहले डायनो पार्क में दिखाया था। ये स्टिल्स हैं, ये सिर्फ यहाँ पे खड़े हुए हैं, ना मूवमेंट है, हिलते जुलते नहीं है ये। सो आप देख सकते हैं सहराज कह रहा है हिलो, हट जाओ हारिस भाई, लेकिन हाथ लगाना मना है, टूट जाता। अभी मैंने बहुत बुरी तरीके से इसको हाथ लगाया था, ये एक बड़ा डायनो। तो अच्छा है, बेहतर है, देख सकते हैं एक बड़ा गोरिल्ला भी है। अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बचपन में हम खुश होते थे ये चीज़ें देख के, लेकिन यार अब वो एज नहीं रही, वो टाइम नहीं रहा। सो अब ये देखें अजान हो चुकी है, मगरिब की अजान हो रही है, बंदर देख रहा है ऐसे गुस्से से, और सोचो अगर ये असली का हो जाए तो हमारा क्या होगा। आखिर देखें अजान हो रही है, बाकी बातें बात में। मैं वीडियो बना रहा था, दो बच्चे मुझे मिले और कहने लगे कि आपके यूट्यूब का अकाउंट क्या है, तो मैंने उनको बता दिया हारिस खान फूड मेरा नाम है। तो घर पे जाके सब्सक्राइब करोगे आप लोग? क्या नाम है अकाउंट का ये बताओ? हारिस खान फूड। सबको बोलो सब्सक्राइब कर दे यार, आप भी बोलो सब्सक्राइब कर दे। आप कर रहे हो जाके घर? और कमेंट करना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। चलो जाओ एंजॉय करो, खेलो कूदो। अभी अंडा तोड़ लेते तो मैंने देखा अंदर। चरा मेरी शक्ल देख रहा है यार, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है एंजॉय। एंजॉय मैं हमेशा चाह रहता हूँ, पीछे जमात हो जाए। हम मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, खैर ये बोलना ज़रूरी नहीं था, नमाज़ पढ़ के आपसे फिर आते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अंधेरा हो गया काफ़ी, जब मैं अपने शो के लिए एक्सो दे रहा था तो आंटी मेरे पे हंस रही है, हे हे चश्मा उतार लो, ये कर रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैं उसको भी शामिल कर सकता था, लेकिन इस वीडियो का जॉनर अलग था तो मैं उसको शामिल नहीं कर सका। इन्जॉय किया अभी वहाँ पे सामने आपको देख सकते हैं कैंटीन भी बनी हुई, वहाँ पर भी मैं आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हारिस भाई पहले शूट के लिए आएँ, पहले आप शूट कर लें, बाद में अपना ना सारे वीलॉग की ड्रामेबाजी कर कराना। तो बच्चे मुझे देख रहे हैं, हाथ दिला दो बेटा, हाथ दिला दो, हाथ दिला दो, ये सारे बच्चे मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे हो, लगे हुए किसी भी तरह से ना मेरी वीडियो में वो लोग आ जाएँ। अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, तो अभी वहाँ चलते हैं, फिर आपको वहाँ की भी मनाजर दिखाते हैं। मैं आ गया हूँ कैंटीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न मिल रहा है, आइसक्रीम मिल रही है, और भाई ये बेच रहे हैं क्या क्या, दोराजी का मशहूर गोला गंडा है। भाई कितने के हैं यार ये? पोटैटो स्टिक 70 रुपए की, गोला गंडा 50 रुपए का। कितने की? पोटैटो स्टिक 70। पोटैटो स्टिक 70 रुपए की है और गोला गंडा 50 का। गोला गंडा 50 का भी और 100 रुपए का भी। बेटा खिला रहे हो फिर? तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आ सकते हैं, पोटैटो स्टिक्स भी है, फ्राइज भी मिल रही है, और ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और आगे भी कुछ है भाई, नौकरियाँ हासिल करें। अबे नौकरियाँ कौन दे रहा है? नौकरी दे रहे हो भाई? अच्छा टोकन यहाँ से हासिल करें। अच्छा टोकन लिखा हुआ है, मैं मुझे लगा कि नौकरियाँ यहाँ से हासिल करें। उनका बर्गर भी बेच रहे हो भाई, अंडे वाला बर्गर है उस्ताद? बस अंडे वाला है भाई, सब तरह का बर्गर है। अब वो लोग वहाँ पे, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, कह रहे हैं आरिस भाई यार आप आ जाओ दिल्ली से, तो वहाँ पहुँचते निकलने से पहले भी मैं आपको एक्सो दे दूँगा और बताऊँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कैसा है। अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं अच्छे होते हैं। जिस तरह फैमिली बैठी हुई थी मुझे पूछ रही है अपना मुझे आप यूट्यूब अकाउंट बता दें, हम सब्सक्राइब कर देंगे। पठान लोग थे, बड़ा बेचारे बड़े इनोसेंट थे, तो मुझे कहने लगे कि आप लोग कितनी अर्निंग शुरू कर दी, ईमानदारी से बताएं। उन्होंने क्या बताऊँ कि अभी बस स्टार्ट था, लेकिन लोग इस तरह से अब लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि यार हम आपको सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे, तो अच्छा लगता है, कहना भी काफ़ी होता है। तो ये सीन है भाइयों, तो बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे, मैं सहराज और इब्राहिम के पास जा रहा हूँ, वो अंदर बैठे हुए कोई साहब हैं पार्क के, उनका भी शॉट्स लेना है, हम एक वीडियो बना रहे हैं उसके लिए, फिर निकलते हुए तो दोनों से भी आपको मिलाएंगे और वीडियो को एंड करेंगे। आई नो मैं बहुत ज़्यादा अगली आ रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, मोबाइल की लाइट से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, गेट पे एक गार्ड था बेचारा, वो सिंधी बात कर रहा था, मैं उससे सिंधी, मैंने बोला बाबा पढ़ो ये वो, उसको लगा मैं सिंधी हूँ, सिंधी में मुझसे 5 मिनट तक बात करता रहा और हमें समझ में ही नहीं आया। खैर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब घर की तरफ जाएंगे।
चाय वाय पी के अपने अपने घर पहुँचे और आराम कर गए। शकरकंदी बाबा, शकरकंदी आ गई है आप देख सकते हैं सीजन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।